नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। पामिस्ट्री में आज मैं आपको बताऊंगी विवाह। कई लोग पूछते हैं हमारा विवाह कौन सी एज में होगा और हमारा विवाह कब होगा, हमारे संबंध कैसे रहेंगे और हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। आज हम बात करेंगे विवाह की। ये होती है हमारी हृदय रेखा, और हृदय रेखा और ये जो हमारी छोटी लिटिल फिंगर जो होती है, इसके बीच का जो गैप होता है, यानी कि हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि रेखा होती है ऐसे करके। किसी किसी की ये रेखा एक होती है, किसी किसी की दो होती हैं, किसी किसी की तीन होती हैं और किसी किसी के बहुत सारी भी होती हैं। अगर ये रेखा बिल्कुल क्लीन है, पहले तो ये देखिए कि हमारा विवाह होगा कब। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, आप ये समझिए कि लिटिल फिंगर और जो हमारी हृदय रेखा है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन की जो एज होती है, इस एज को बोला गया है 25 के हिसाब से बांटा गया है, 25 नीचे 25 ऊपर। तो अगर हमारी जो मैरिज है किस एज में होगी, वो इस रेखा पे डिपेंड करता है कि आपकी कहां पर पड़ी हुई। अगर ये सेंटर में है तो आपकी 24-25 में आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर ये ऊपर है तो आपकी शादी लेट होगी, देरी से विवाह वो दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी रेखा ये यहाँ हो गई तो ये देरी से विवाह दिखाएगा। और अगर आपकी ये रेखा एक से ज़्यादा है, मान लीजिए कई लोगों की इस तरह से होती है और कईयों की ऊपर भी होती हैं, या ऊपर होंगी या नीचे होंगी, इस तरह से एक या एक से अधिक होती है। और अगर एक से अधिक हो तो ऐसे में जो आपका रिश्ते जो होते हैं वो आपके फ्रूटफुल नहीं हो पाते। फ्रूटफुल से मतलब इन द सेंस कि कई बार आपको ना का सामना करना पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि रिश्ता होकर भी टूट जाता है। जैसे कई बार बोलते हैं लोग, हमारी सगाई होकर टूट गई है, शादी कब होगी। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है। और अगर बहुत ज़्यादा लाइनें हों, नीचे भी हों ऊपर भी हों, तो ये विवाह में विलंब दिखाता है। विलंब से विवाह होएगा, बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी विवाह के लिए, तो विवाह में देरी दर्शाता है। 30 के आसपास आपका विवाह होगा अगर आपके बहुत ज़्यादा लाइंस दिख रही हैं तो। कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि बताइए हमारा जीवन साथी हमें कैसा मिलेगा, क्या वो हमें प्यार करेगा या हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे उसके साथ। अगर आपकी आपकी विवाह रेखा जो है वो हृदय रेखा की तरफ कर्व करे, तो आपका जीवन साथी आपको बहुत अत्यधिक प्यार करने वाला होगा, आपकी हर बात मानने वाला, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, आपके साथ कदम से कदम मिलाने वाला होगा। और अगर ये रेखा सीधी है तो वो अपनी भी कहेगा और तुम्हारी भी सुनेगा, वो एक बैलेंस बना के चलेगा हर चीज़ के अंदर, एक बैलेंसिंग नेचर होगा उस बंदे का। और अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए कि वो आपकी भी सुने और अपने भी कहे। अगर आपकी विवाह रेखा छोटी उंगली की तरफ जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी अपनी कहेगा, वो आपकी थोड़ी कम सुनेगा। तो जीवन साथी के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है हाथ की लकीरों में कि आपकी विवाह वाली जो रेखा है, जिसे हम विवाह की रेखा कहते हैं, वो किस तरफ जा रही है या कैसी है या किस स्थिति में है। अगर आपकी ये रेखा कटी फटी हो, यानी कि इस पे बहुत अधिक लाइनें हों, मान लीजिए ये रेखा आपकी, मैंने देखा है ज़्यादातर ये रेखा सीधी ही होती है, अगर ये रेखा कटी फटी हो, लाइनें हों इस पे, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कत दिखाती है, थोड़ा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
एस्ट्रोलॉजी से यही थोड़ा बेनिफिट होता है, या पामिस्ट्री से आप अपना हाथ किसी को अगर दिखा रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो, कि अगर आपको थोड़ी चीज़ें पहले पता चल जाएं तो आप उसको लेके थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर प्रिकॉशन ले सकते हैं और उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से कटी फटी हैं या बहुत ज़्यादा इस पर इस तरह से द्वीप बने हुए हैं तो ये भी आपके वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ावों को दिखाती है। तो रेखा जितनी ज़्यादा क्लीन होगी उतना ज़्यादा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और एज मैंने आपको बताई दी है, अगर सेंटर में हो 25 के आसपास विवाह हो जाएगा, अगर ऊपर है तो आपका, अगर ऊपर की तरफ है रेखा तो आपका विवाह 30 के आसपास होगा, और अगर नीचे है तो 20-22 में भी आपका विवाह हो सकता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।